मामानी हमारा ऐसा होता है जमाने से रिवाज होता है मामानी देने का। तो सबसे पहले हम मामानी जो पुराने जमाने में खाना शाना अपने घर से जो भी निकलते हैं वो निकाल कर दे देता है। तो सबसे पहले हम सुबह सवेरे उठकर यानी 7-8 बजे उठकर हम कब्रिस्तान पर मामानी लेते हैं। वहाँ जाकर सारे लोग फातिहा करते हैं, फातिहा खानी करके वहाँ सारे मामानी यानी रोटी केक चाय लेफ्टन वगैरह सब देते हैं, भाषण करते हैं। उसके बाद आकर मस्जिद में सब जवान जमा होते हैं, मस्जिद में जमा होकर एक दो कुरान पढ़ते हैं मस्जिद में सब जमा होकर। फिर उसके बाद मामानी बड़ा मामानी जो है ना सब के तरफ से खाना बातों चावल आजकल के दौर में तो पहले तो घर घर से चावल लाता था, आज तो सब जमा करके चावल और गोश्त लाते हैं बकरी का 30-40-50 किलो। तो उसके बाद चावल लाते हैं, दाल बनाते हैं, ऐसे ऐसे खाने सबके यानी पैसा जमा करके सबके नाम पर बनाते हैं। उसके बाद अपने घरों से खुबानी हर चीज़ जो अपने घर से निकालते हैं मिसाल वो सब लाकर मामानी को अपने यानी मरहूमिन को दे देते हैं, उसको हम मामानी कहते हैं। रहमानुर्रहीम, सबसे पहले तो और आपके टीम को बहुत बहुत शुक्रिया पेश करता हूँ क्योंकि इस सर्दी में हमारे यहाँ के दूर दराज इलाके के पसमंदा इलाके में यहाँ के लोगों को किस तरह ज़िंदगी बसर रहा है, इसलिए यहाँ हमारे बीच में आके आपका टीम हमसे इंटरव्यू लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद जो ये मामानी रहा जो ये हमारा बाप दादे से पुराना रिवाज आज तक लगाते आया हुआ है, जो हमारा बाप दादे से मामानी शकर चिक्तन का मामानी जो खतर लद्दाख में एक माना हुआ एक कल्चरल है, क्योंकि हम इस कल्चरल को हम आने वाले नस्ल को भी बाज़ाब्ता तौर पर रखने का गुजारिश करते हैं। और आने वाला जितना भी चीज़ें है हर चीज़ में से यहाँ हम उसको बोलते हैं फूत, हर फूत यहाँ का खुवानी रोटी फुलवारी पोपो तेंतेन पापा मार्जन मरकुर वगैरह वगैरह हर यहाँ पे दस्तियाब होता है। अपने अपने घरों से हर बच्चे बूढ़ू बुजुर्ग सब अपने अपने हिसाब से अपने गुजरा हुआ हाँ बाप दादे के लिए हाँ जो गुजार चुका है आज से उनके लिए सुबह सवेरे तो हम सबसे पहले निकाल के कब्रिस्तान पे जाता है, उन पे हाँ मस्जिद उठा के और कुरान शरीफ लेके वहाँ पे फातिहा खानी करता है। इसके बाद जो वहाँ पे जब वो मस्जिद देकर बांध के सबको बांध के देता है, सब लाता है मिलकर सबको बांध देता है। इसके बाद जब रहा मस्जिद शरीफ में तशरीफ लाता है सब, जब मस्जिद शरीफ में ला के यहाँ का मौलाना और यहाँ का जवानान सब मिल बांट के पढ़ता है। इसके बाद यहाँ पे सब मिल जा के यहाँ पे बड़ा मामानी लाता है। जब मामानी लाने के बाद हर घर से हर कोई जब अपना अपना वो जो घर में बना हुआ है दो तीन से एक हफ्ते से यही खरीदारी में पड़ा हुआ यहाँ पे बांध के सब गरीबों अमीर और सब मिल बार के बांध के देता है। ये मामानी जो है हम यानी कड़ाके की सर्दी में जनवरी के 20 या 21 जनवरी को मनाए जाते हैं, जिसमें हर किस्म के यानी खुराक आइटम या पुराने ज़माने में तेंतेन होता था सबकुर होता था, आज जो बकरी का यह सिरजी को बना के लाते थे पाहिए को बना के लाते थे, इसमें ओमा भी होता है हर आइटम होता है, ओमा भी होता है दही और परोंठा भी होते हैं रोटी भी होते हैं चावल भी होते हैं मीट भी होते हैं, हर किस्म के यानी खाने के आइटम को हम यहाँ पर जो हमारे गुजरे हुए मरहूमिन की को बतौर मस्जिद जिसे कहते हैं इसके तौर पर निकालते हैं। तो हमने इसी को यह हमारा बहुत ही पुराना कस्टम से रिचुअल है, इस कस्टम को यानी इस रिवायती इस फंक्शन को मनाने के लिए हर जगह से करगिल से हो लेह से हो जम्मू से हो दिल्ली से हो जहां कहीं भी हो वो लोग हैं आके इस मामानी को मनाते हैं। मामानी खत्म होने के बाद आज के दिन से हम गोचर जी से कहते हैं हर किसी के गाल में हर फूड आइटम बना के बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फीस्ट बनाते हैं और इसी तरह से ये मामानी का सिलसिला चले आते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह रहमान आइंदा भी हम इससे भी बढ़ चढ़ के हम इसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं।